आंदोलन आपने मतलब 6 महीने हो चुके हैं, काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या सरकार बात को मानेगी या नहीं? पूरे देश में आज किसान आंदोलन चल रहा है, सब जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने से किसान यहाँ सारे बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या मान सकती है या नहीं? जोरना जुत्ती का जोरना मनावांगे जी। तुम देख ही लिया, यदि सियासी मौत हो चुकी है और दूजी मौत है, वह भी जिला रब का स्नेहा आ गया, दबा दब लै जाना, क्योंकि तुम देखा इलैक्शनों के जिमीदारा ने भावे केरला भावे बंगाल से कि मूँह भार किया। हूँ गांह यूपी चोन वाली अगर यूपी के सरपंच की इलैक्शन हुई है, 7700 लैके गया, 7000 दूजिया पार्टियां लैके गई, जिते जिते गांह इलैक्शन आऊगी ना आऊगा, इन्हों पंजाब तो बनो बंद करा, इन्हों जिन्ने भी चमचे आ उन्होंने किसी भी इजाजत नहीं होगी जिन्ना चेर कुराले काले कानून ये वापस नहीं लेंदा। असी ऐलान करते हैं जिथे भी मिल गए उन्होंने पहला प्यार ना समझावे, बाद जे ना मने ना जुत्तियां ना भी दौड़ावे, कट्ठे नहीं होने देवे, ये क्योंकि काले कानून इन रद्द करने पर ना असी मंगे सत जोर ना थोपे गए। जिहड़ी जोर ना चीर थोपी जाए ये कहिंदा मेरा बड़ा बड़ा सीना इहनू दीदा नहीं, उद्दे एक पासे कहिंदा करोना करोना करोना, जे इहनू इन्ना सरकार नू इन्हां जिमीदारां दा फिक्र होवे। एक कंजर के कोल का मुक्त इस वेले हैगा एक ये मौका आ भी जिमीदारा के काले कानून रद्द कर दे, जिमीदार अपने अपने घर जाण। सर्दी चली गई, बरसात भी आई है, तूफान भी आ रहा है, यहाँ जल भराव भी होगा था काफ़ी, हमने वो खबरें भी चलाई थी जब पानी यहाँ बुरी तरीके से भर चुका था, लेकिन किसान यहाँ के यहीं मौजूद हैं, क्या सरकार को मान लेनी चाहिए ये बात? तो जरूर बिल्कुल इन मननी चाहिए, इनू यह नहीं पता साढ़े इतिहास बने, मनू साड़ी दात्री असी मनू दे सोए, जो जो मनू वढ़दा असी दूण समाए होए, जिदा जिदा साढ़े ते इहो ज़्यादा प्रैशर पाऊगा, साढ़े ते ज़्यादा इहो कोई अत्याचार करूगा, एक गेंद का तो सिख का सुभा इको जहा जिन्नी जोर ना थले मारूगा उन्नी तान उभरूगी, इहनू सबक सिखा देंगे। अगे दो तिना हजे स्टेटा च आया गांह रिजल्ट आना, सियासी मौत मार चुका है, दूजी मौत भी यदि आने वाली है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले 2022 में, बिल्कुल जी, तो क्या जैसे पश्चिम बंगाल में केरल में इनमें सफाया होगा, तो ऐसे बिल्कुल सफाया होगा जी, उस तो भी बुरी तरह होगा, क्योंकि इतने तुम देखा इन किन्ने प्यार से सरकार ने जिमीदार ने यदि खट्टर सरकार बनाई थी, तो वह खट्टर सरकार से किदा जुत्तियां पैन दियां, इनू भी नहीं उत्तर दिता खट्टर नू जुत्तियां मार मार के भजाया, तो इदा ही हुण पंजाब भी इलैक्शन आ रही है, उत्थे भी MLA दियां चोणां होणियां, बाकी स्टेटां च भी होणियां, जिन्ने भी ये चमचे आ ये पार्टी के भारतीय किसान कमे मैंबर आ भारतीय जनता पार्टी के BJP के मैंबर आ, उन्होंने पूरी तरह भजावे, जुत्तियां मार मार के घर नहीं बन देवे, कि इलाके बेच नहीं रहने पिंड नहीं बन देवे, जे कानून रद्द करूगा फिर इन्होंने बारे भी सोचा जाऊगा, जे इन हमदर्दी है तो ये कोका कानून वापसी ले लेने चाहिए, जे कसून कानून वापस ले लें फिर इन्हें थोड़ी हमदर्दी रख सकते हैं, तो हूँ इसलिए जुत्तियां च घिरया पिया। सुखबीर कौर बोल बेटा। मेरा नाम गुरसिमरत कौर है, हमारा हम होशियारपुर जिला तहसील हमारी दसवा मांगट गांव है हमारा। आप तो पढ़ाई के लिए बच्चे हैं जो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, यहाँ आंदोलन में हैं। मैं आंदोलन के साथ में, हम 25 नवंबर से जब आए थे तो मैं आंदोलन के साथ भी जुड़ी हूँ और पढ़ाई भी अपनी कर रही हूँ, तो मतलब कि आंदोलन के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई के अब पढ़ाई जो जरूरी है ना, पढ़ाई भी जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ ये हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारा इस आंदोलन में लड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो सबसे पहले दुकानदार मजदूर का खात्मा हो जाएगा, फिर सेकंड आड़तिया जो भी होते हैं उसका खात्मा हो जाएगा, किसान तो 8-10 साल और जिलेगा अपना, किसान की तो लून से रोटी खाने के लिए कोई खो नहीं सकता, पर बाकी वर्गों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, और हम ये कानून वापस करवा के ही जाएंगे, चाहे हमें 2024 तक बैठना पाए। बोले सुन हो सानू ने कानून वापस ला ला, जिम्मेदार अपने खुशी खुशी घर जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नसीबा रोवा जाएगा।